दोस्तों, एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करीब 250 लड़कियों का सालों तक रेप करके उनकी अश्लील तस्वीरें खींची, उन्हें ब्लैकमेल किया और वो भी इस हद तक कि लड़कियों को सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे अपराधी को आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? दिल्ली के निर्भया केस में एक लड़की के साथ बर्बरता करने वाले 4 कैदियों को जब फांसी की सजा हो सकती है, तो यहां करीब 250 विक्टिम्स के साथ इस तरह का कांड करने के लिए दोषियों को मृत्युदंड तो नहीं तो कम से कम 20 से 25 साल तक के लिए तो जरूर जेल में डालना चाहिए। पर जरा हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को देखो। साल 2007 में सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाद में उसी लॉ एंड ऑर्डर ने सिर्फ 6 साल बाद साल 2013 में ये स्टेटमेंट दिया कि आरोपी ने पर्याप्त सजा काट ली है, इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। हमारे भारतीय कानून में IPC सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 जहां डकैती जैसे अपराधों के लिए भी कम से कम 7 साल की सजा दिलवाती है, वहीं 250 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यही कानून व्यवस्था एक मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाकर 6 साल के अंदर ही क्यों रिहा कर देती है? क्या दोषी का पॉलिटिकल कनेक्शन इतना स्ट्रांग था इसीलिए, या फिर उसका इन्फ्लुएंस किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से था इसलिए? आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत सी गालियां पड़ने वाली है और मैं उसके लिए रेडी हूं, मगर आज हम भारत के सबसे बड़े रेप स्कैंडल्स में से एक का खुलासा करने वाले हैं, जिसके साथ जुड़े ताकतवर लोगों ने इसे मीडिया में आने ही नहीं दिया और जिसने भी मीडिया में लाने की कोशिश की उसको जान से मार दिया गया। अब ऊपर से सिर्फ रेप स्कैंडल दिखने वाला ये मामला बहुत ज्यादा डीप है और आज हम उसी की गहराई में फैक्ट्स, सोर्सेस और फिगर्स के साथ आपको पूरी जानकारी देते हुए उसकी सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। कहानी पुलिस जुडिशरी के नाकामी की भी कहानी, सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल अजमेर सेक्स स्कैंडल की कहानी, इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल, ट्रैप्ड स्कूल गोइंग गर्ल्स विद थ्रेट्स एंड ब्लैकमेल फॉर मंथ्स एंड गैंग रेप देम। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 1990s में, जब फारूक चिश्ती नाम के इस बंदे ने अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की से दोस्ती की। अब कुछ दिन दोनों के बीच दोस्ती चली, लेकिन फिर अचानक एक दिन फारूक उस लड़की को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गया, उसका रेप किया और इतना कम था तो उस लड़की की न्यूड इमेजेस खींचकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब जरा दरिंदगी की हद देखिए, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से भी मन नहीं भरा तो फारूक ने उन तस्वीरों का हवाला देकर उस लड़की को ब्लैकमेल करके फोर्स किया कि वो अपने स्कूल की बाकी लड़कियों के भी फारूक और उसके भाई नफीस से जान पहचान करवाए। और जैसे ही वो लोग उन दूसरी लड़कियों को जान लेते थे तो कभी बहला फुसलाकर तो कभी जोर जबरदस्ती करके उन दूसरी लड़कियों को भी अकेली जगह पर ले जाया जाता था, उनके साथ गैंग रेप किया जाता था और सेक्सुअल ब्रुटैलिटी के हदें पार करने के साथ साथ वो सभी लोग उन लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी खींच लिया करते थे ताकि समाज के डर से वो लड़कियां किसी को कुछ बता ना पाए, और उन्हीं तस्वीरों से ब्लैकमेल करके शिकार हो चुकी बाकी लड़कियों को भी फोर्स किया जाता था कि वो अपनी सहेलियों को इन दरिंदों से मिलने के लिए कहे। अब धीरे-धीरे यही साइकिल चलती रही एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो, बट कुछ सोर्सेस के हिसाब से ऐसा करते करते एक दो साल के अंदर इन लोगों ने करीब 250 लड़कियों का गैंग रेप करके उनके साथ ये बेरहमी करी थी। अब जब मामले सैकड़ों की संख्या में पहुंचने लगा तो कुछ लोकल मीडिया रिपोर्टर्स ने भी पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मगर मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस करीब एक साल से ये जानती थी कि उस इलाके में हो क्या रहा है, और फिर भी उन्होंने ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन की और ना ही कोई कदम लिया जिससे बाकी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। अब जब विक्टिम्स और मीडिया हर जगह से निराश होकर थक गए थे, तब अंत में 21 अप्रैल 1992 के दिन अजमेर के लोकल न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योत के फ्रंट पेज पर इस रेप स्कैंडल का पर्दाफाश करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसे लिखने वाले दीन बंधु चौधरी ने इसको लेकर ढेरों खुलासे किए। उन्होंने बताया कि लोकल पुलिस के साथ साथ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को भी इस पूरे कांड के बारे में पता था, लेकिन पता है उनमें से किसी ने भी इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? वेल, इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि फारूक और नफीस अजमेर शरीफ दरगाह के कस्टोडियन चिश्ती फैमिली के लोग थे, जिस वजह से ऐसे इस्लामिक परिवार से होने के कारण कोई
उन पर हाथ नहीं डालता था। और दूसरा कारण था उन दोनों की पॉलिटिकल प्रेजेंस। प्राइम एक्यूज्ड फारूक चिश्ती जहां अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, वहीं उसका भाई अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। पर ये दोनों की पॉलिटिकल एंटिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आती थी। जी हां, वही कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में बैठकर ये कहकर अक्यूज करती है कि भाजपा सरकार बेटी नहीं बेटी के साथ अपराध करने वालों को बचाती है। अब इनके रिप्रेजेंटेटिव बेटियों का कितना सम्मान करते हैं जरा खुद ही देख लीजिए आज। और देखो, इससे पहले कि आप सब मुझे भाजपा का दलाल कहें, मैं पहले ही बता दूं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं होती है। और ऐसा मैं इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि 1990 से 1992 के जिस पीरियड में ये कांड हुआ था, जिसको लेकर मीडिया भी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इसे टालने का क्लेम कर रही थी, इस टाइम पीरियड में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही शासन चल रहा था, जिसमें एज ए चीफ मिनिस्टर मिस्टर भैरव सिंह शेखावत सर्व कर रहे थे। अब यहां तक कि उस वक्त अजमेर में लोकसभा की सीट भी भारतीय पार्टी के पास ही था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी सही है या एक ही पार्टी गलत है, तो पावर में कहीं ना कहीं उस समय दोनों ही दल मौजूद थे। अब ये मामला जब बहुत ज्यादा उठा तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और सितंबर 1992 आते आते 18 गुनहगारों को हिरासत में लिया गया। रिटायर्ड राजस्थान डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज, जो उस वक्त अजमेर में डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, वो खुद बताते हैं कि सामाजिक और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके गुनहगारों ने बहुत से विक्टिम्स को दबा दिया था, जिस वजह से वो लड़कियां कन्फेशन देने के लिए सामने आ ही नहीं पाई थी। अब देखो, 6 कंफर्म्ड और ना जाने कितनी अनऑफिशियल विक्टिम्स ने पारिवारिक और सामाजिक प्रेशर के चलते आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि स्कैंडल के बाहर आने के बावजूद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और गुनहगार अलग अलग तरीकों से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अजमेर महिला समूह जो विक्टिम्स के साथ खड़े होकर उन्हें सपोर्ट और उन्हें मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसे भी कुछ समय बाद पीछे हटना पड़ा क्योंकि उनके मेंबर्स को डेथ थ्रेट्स ये जा रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में कितने ही विक्टिम्स हिम्मत उठाकर समाज और परिवार से लड़ते हुए आगे आ पाते, जिस वजह से रिकॉर्डेड विटनेस की संख्या काफी कम है और जर्मनी में बैठे हुए यूट्यूबर उस ऑफिशियल नेग्लिजिबल संख्या को बताकर पूरा केस मैनिपुलेट कर देते हैं और वन साइडेड फैक्ट्स बताकर लोगों को ऐसा यकीन दिलाने लगते हैं कि जो बताया गया है वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और लोग उन वन साइडेड फैक्ट्स पर यकीन करके ऐसे लोगों को मिलियंस ऑफ व्यूज देने को तैयार भी रहते हैं, जिस वजह से एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स पॉलिटिक्स में सच्चाई बताने के बजाय लेफ्टिस्ट बनने को सक्सेस मंत्र मान लेते हैं और कहानी को इस तरह से मैनिपुलेट करके दिखाना पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। अब देखो, भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री है जिसे आप बाहर से नहीं स्टडी कर सकते। यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल करवा पाता, क्योंकि ना तो उस रिपोर्ट को फाइल करवाने में उसका परिवार साथ देता है और अगर कभी कोई ऐसा करता भी है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और किसी को भी फर्क भी नहीं पड़ता। अब देखो, अतीक अहमद केस में भी उमेश पाल की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई थी क्योंकि उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ विटनेस बनने का फैसला किया था। अब गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उमेश पाल की हत्या कर दी गई। अब इसे देखकर आप ही बताइए, आगे आने वाले समय में आखिर कौन किसी गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने की कोशिश करेगा जब उसे ये पता है कि उसकी मौत होने की पॉसिबिलिटी हद से ज्यादा है और माइनॉरिटी से ना बिलोंग करने की वजह से कोई ऑपोजिशन पार्टी उसका साथ भी नहीं देगी, उसके लिए न्याय की भी मांग नहीं करेगी। अब वही ऑपोजिशन पार्टी वाले गैंगस्टर की हत्या पर उसे माइनॉरिटी और एक्स एमपी बताकर सपोर्ट करने आ जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो गैंगस्टर माइनॉरिटी से बिलोंग करने की वजह से मासूम ही होगा, राइट? फिर चाहे उसकी 11,000 करोड़ की अवैध संपत्ति ही क्यों ना हो। लेकिन वो सब के सब शांत रहेंगे जब दिल्ली में साहिल नाम का एक लड़का साक्षी की चाकू मार के और पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर देता है। हमारे भारत का लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि उसकी नजरों में हर कोई एक समान है, पर कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है जिसे इस सेंटेंस की अहमियत कम हो जाती है। मदन सिंह, जिन्होंने इस मामले को बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया था, 1992 में पहले मेन रोड में उन्हें गोली मारी गई और जब वो मरते मरते बच गए तो अपराधी इतने बेखौफ निकले कि उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर मदन सिंह को मार दिया। और कोई चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, जानते तो हम सब है कि मौत का कारण आखिर था क्या। अब जरा आप हमारे भारतीय कानून
की क्वालिटी को देखिए, जिसने बिना किसी निष्पक्षता के इस केस के सारे आरोपियों को सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी। फारूक चिश्ती, जिसे साल 2007 में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसे 2013 में कोर्ट ने ये कहते हुए छोड़ दिया कि उसने इनफ सजा काट ली है। भाई, इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए 6 साल बहुत है, पूरा न्याय मिल गया, राइट? अब ऐसा ही न्याय उनके भाई नफीस चिश्ती के साथ भी किया गया था, जिन्हें साल 2003 में पकड़ कर सजा दे दी गई थी। लेकिन सजा मिलने के कुछ ही समय बाद महाशय बेल पे बाहर आ गए और तब से बेल पे बाहर ही है। बाकी अक्यूज जैसे इकबाल, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीम एके, टारजन और सुहेल घानी भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं, और इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद आज उन्हें बेधड़क होकर सांस लेने का मौका मिल रहा है। जबकि ना जाने कितने लोग झूठे बलात्कार के केस में जेल में सालों तक सड़ते रहते हैं और उनको बाहर आने का मौका भी नहीं मिलता। हम इसे रिलीजियस एंगल नहीं दे रहे हैं, पर एक सोचा समझा हैरान कर देने वाला फैक्ट ये भी है कि कुछ सोर्सेज के हिसाब से ना सिर्फ रेप के सारे विक्टिम्स नॉन मुस्लिम थे, बल्कि इस पूरे मामले को पाकिस्तान की ISI, PFI और दावत इस्लामी जैसी संस्थाओं से भी लिंक्ड माना जाता है। 30 साल बाद जहां गुनाह करने वाले आज भी सीना चौड़ा करके अपने इलाके में घूम रहे हैं, वहीं रेप की वो विक्टिम जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसे आज 30 साल बाद भी कोर्ट में बुलाया जाता है और आज दादी बनने के बावजूद उसे जानबूझकर उस दर्द का एहसास करना पड़ता है, जिस खौफनाक अतीत में उसकी कोई गलती नहीं थी और जिसकी गलती थी उसे पर्याप्त सजा के नाम पर कोर्ट ने रिलीज कर दिया। अब हमने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है उसके सोर्सेज भी स्क्रीन पर फ्लैश किए हैं और साथ ही साथ हाईलाइट करे हैं। अब आपके हिसाब से दोषियों को मिलने वाली सजा क्या ठीक थी, और क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रेप स्कैंडल था या फिर इसकी सच्चाई और बहुत ज्यादा डार्क है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना और मुझे साथ में ये भी बताना कि क्या आप आज तक इस केस के बारे में जानते थे, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ दिनों पहले ही सुना और जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि देश दुनिया में वही सच्चाई है जो हम देख सकते हैं, जहां तक कि न्यूज हम तक आ सकती है। ऐसे कितने ही मामले होते हैं जो कि कहीं ना कहीं दब जाते हैं और विक्टिम्स को कभी भी इंसाफ मिल ही नहीं पाता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।